नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागिंद्र मिश्रा चैनल पर। 1 जनवरी नए साल के दिन इसे घर लाना न भूलना, जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों, 1 जनवरी नए साल के दिन बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है और इस दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन भी है, क्योंकि इस दिन एक तो सोमवार है और नए साल का पहला दिन है। तो इस दिन भगवान शिव शंकर और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नए साल के दिन कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिन्हें लाने से आपके घर में धन में वृद्धि होगी। आज के दिन घर में अगर स्थापित करते हैं ले आकर ये चीज़, नए साल के दिन किसी भी टाइम ले आ सकते हैं। यदि लाकर पूजा स्थान पर पूजा करने के बाद अगर आप धन पेटी में रखेंगे तो आपका घर हमेशा अन्न धन से भरा रहेगा, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप नए साल के दिन घर ले आते हैं तो यकीनन माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी और अगर आप धनवान न बन जाएँ तो फिर कहना। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेना और जो मैं उपाय बताऊँगा उन उपायों पर विशेष रूप से ध्यान देना, और आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, अब कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ एक नई कल की शुरुआत करनी चाहिए। नए साल पर अगर आप ये काम कर रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छे से गुजरे, आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना। यह चीज़ अपने घर पर जरूर लेकर आना। अगर ये चीज़ अपने घर पर ले आकर रखते हैं तो आपके घर में धन का भंडार भरा रहेगा, माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों, इस बार नए साल के दिन 1 जनवरी के दिन कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे सर्वार सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, महालक्ष्मी योग बन रहे हैं। कई राज्यों का निर्माण हो रहा है जिसके कारण इस बार नया साल का दिन 1 जनवरी के दिन बहुत ही खास है। तो नए साल के दिन यह चीज घर में जरूर लेकर आए और स्थापित कर दें, जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले नंबर पर है तांबे कमल में बैठी मूर्ति या फिर कमल में बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, नए साल के दिन घर में लाकर अवश्य स्थापित करें। पूजा स्थान पर बैठी हुई मुद्रा में माता लक्ष्मी जी होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी करती हैं। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी की तस्वीर फोटो बैठी हुई मुद्रा में लेकर आते हैं गणेश जी के साथ, तो यकीनन आपके घर में धन का भंडार भरा रहेगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में खींची चली आएंगी। दोस्तों, कलश, एक मिट्टी का कलश चावल से भरा हुआ आप बाजार से जरूर लेकर आए। चावल पर आप 1 रुपए का सिक्का भी आप इसमें डाल दें और हल्दी की गांठ आप डाल दें, यानी आपको बाजार से कलश लेकर आना है और उसमें चावल खरीद कर भर लेना है और उसमें 1 रुपए का सिक्का और हल्दी की गांठ आपको भरकर ढक्कन लगा देना है। फिर आप किसी योग्य ब्राह्मण को आप चाहें तो आप दान दे सकते हैं, इससे भी काफी शुभ होता है, बहुत ही शुभ होता है। या फिर आप चाहें तो ये घड़ा चावल भरकर आप अपने घर के ईशान कोण में रखें। ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है, ईशान कोण कहलाता है, इसी दिशा में आप रखें तो धन हमेशा भरा रहेगा, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, कर्जों का भार उतर जाएगा। दोस्तों, अगली चीज है जो आपके पैसे को बढ़ाएगी, हर कार्य में सफलता दिलाएगी। माता लक्ष्मी जी को कौड़ी बहुत पसंद है, कौड़ी बाजार में आसानी से खरीदने में मिल जाएगी, आप कौड़ी जरूर लेकर आए। ये माता लक्ष्मी जी की बहुत ही प्रिय वस्तु है, माता लक्ष्मी की बहन है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान कौड़ी जैसे माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी वैसे ही कौड़ी भी उत्पन्न हुई थी। तो कौड़ी माता लक्ष्मी की बहन है, इसलिए जहां पर कौड़ी होती है वहां स्वतः माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं। दोस्तों, आपको नए साल के दिन केले के पेड़ की एक जड़ जरूर लेकर आनी है। दोस्तों, ये आप उपाय जरूर कर लें, कोई उपाय करें या ना करें, केले के पेड़ की जड़ अगर आप लेकर आते हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, केले के पेड़ में हल्दी का टीका भी जरूर लगा दें,
क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है और शुभ समय की शुरुआत हो जाती है। तो इस दिन नए साल के दिन आपको क्या करना है, केले के पेड़ की जड़ आप जरूर लेकर आएं। सबसे पहले तो आप नए साल के दिन नहा धो लें अच्छे से और केले के पेड़ में आप एक लोटा तांबे के लोटे में जल ले जाकर आप डाल दें। तांबे के लोटे में जल ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से उसमें किशमिश, गुड़ और चने की दाल डालकर एक लोटा जल स्नान करा दें। फिर हल्दी का टीका लगा दें केले के पेड़ में और फिर आप उसी समय केले की पेड़ नीचे से जड़ खोदकर आप इसकी जड़ निकाल लें और इसे आप पीले कपड़े में बांधकर इस केले की जड़ को आप ले आकर पूजा स्थान पर रखें। पहले इसकी पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आप इस केले की जड़ को आप पीले कपड़े में लपेट करके अपने धन के स्थान पर रख दें, तिजोरी में रख दें, धन पेटी आलमारी पर रख दें, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, चारों दिशाओं से धन खींचा चला आएगा। जी हाँ दोस्तों, हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। लक्ष्मी चरण पादुका, हो सके तो आप नए साल के दिन लक्ष्मी चरण पादुका जरूर अपने घर में स्थापित करें, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों हमने जो बताया केले का जड़, ये बहुत ही शुभ होता है, साथ ही साथ सीताफल का जड़ अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो समी के पेड़ की जड़ भी लेकर आएं और अपने घर में स्थापित कर दें, अन्न धन से पूरा घर भरा रहेगा। दोस्तों केले की जड़ और समी के पेड़ की जड़ अगर मिल जाए आपके घर में तो आप जरूर लेकर आएं, इससे माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करेंगी, स्थिर वास करेंगी। दोस्तों पहले तो इस जड़ को गंगा जल से अच्छी तरह से धो लें, फिर इसे आप पीले कपड़े में लपेट कर, पीला कपड़ा नहीं है तो लाल कपड़े में लपेट कर आप इस केले की जड़ को आप अपने धन के स्थान पर रख दें, पूजा स्थान पर रख दें, तो हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी वास करेंगी, हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थिर वास होगा। दोस्तों अगर केले की जड़ नहीं है तो बेल वृक्ष की जड़ भी लेकर आप इसे स्थापित कर दें, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों वैसे तो नए साल के दिन आप मोर का पंख लेकर आएं और अपने घर में स्थापित करें, बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही उत्तम माना गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको लड़ जीरा यानी कि चिड़चिड़ा का जड़ मिल जाए, चिड़चिड़ा पेड़ का अगर जड़ मिल जाए तो इसे लेकर अपने घर में स्थापित करें, आपके घर में बहुत ही धन की प्राप्ति होगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो इनमें से कोई भी एक उपाय कर लें, माँ लक्ष्मी स्वतः आपके घर में वास करेंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।